हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र, कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राजमुकुट पहनाएंगे। चले उहरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही, जिन पाइन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आजु बिलो की हम इन्ह नैननी अब जा बिचारा आयउ सपद सिंधु एही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोर पुदूत बिसेखा, जाना कोर पुदूत बिसेखा। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है, अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया है। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए, हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। रघुनाथ जी, अपने आप को लंका के राजा रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है, आपकी शरण में आना चाहता हूं, यह कहकर वह आपके पास आने की आज्ञा चाहता है, परंतु वह शत्रु का भाई है, इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए।
कि उसको अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। आप सबका इस बारे में क्या मत है? संभव है वो रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर हो, है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा? शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम लोगों पर ही प्रहार करें। भगवान, हमें उसकी बातों में ना आकर उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। वानर राज, जिसके हृदय में कपट हो वो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता। उससे उसका परिचय पूछना चाहिए, वो कौन है, क्या नाम है उसका? विभीषण नाम बताया है उसने अपना। विभीषण? क्या विभीषण नाम बताया उसने? हनुमंत, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। वो हो नहीं सकता, आखिर वो रावण का भाई है, एक राक्षस है, सो मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षस जाति का है, इसीलिए वो दुष्ट या दुर्जन हो ये मान लेना अन्याय है। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद जैसे हरि भक्त हुए हैं जामवंत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने तो मुझे यह भी बताया था कि विभीषण अपनी बेटी के हाथ चोरी छुपे कभी कभी उन्हें भोजन भी भेजता रहता है। हो सकता है उस समय उसकी पुत्री ने सहानुभूति के कारण ऐसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि इस समय श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई के बैरी के पास आने का न तो उचित समय है और न उचित स्थान। जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़ दे उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या, तीनों लोगों में दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। वानर राज, आप सबके विचार मैं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था। अब आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके पश्चात अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हो, उसके मन में कुछ दुराव भी हो, परंतु मेरा एक प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय कर दूं। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है, उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना, भले ही वो ठगने क्यों ना आया हो, सत्पुरुषों के लिए उचित है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वो आपसे शरण मांगने आया है, मुझे इसमें कोई कपट दिखाई नहीं देता। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक निर्णय दिया था। आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेषां शरणं गतः, अरे प्राणानां परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी की शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुरेश की प्राप्ति को मिटा देता है।
यदि शरण में आया हुआ प्राणी रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्य को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूं, यदि ऐसा कहकर कोई मेरी शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपना पन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा। युवराज अंगद, उसे आदर के साथ हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। हे राक्षस कुल मणि विभीषण जी, मैं बाली पुत्र अंगद आपको प्रणाम करता हूं। मुझे श्री राम प्रभु ने आपको ये कहने को भेजा है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना पर आपसे भेंट करना स्वीकार कर लिया है, अतः आप पधारे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पधारिए, श्री राम प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। दूर ही देखे वे उभराता नैनानंद दान के दाता, बहुरे राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठ टुकी एक टक पल रोकी, एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं, फिर भी आपकी यशगाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं, जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए और लंका तथा लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए, परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, धन संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं, मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु,
मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं, सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। स्वामी, मैं तो एक सेवक बनने आया था, आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया, मैं इसका पात्र नहीं था। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश, प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है, आपने एक शरणार्थी को यह संज्ञा कैसे दे दी? रावण तो केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है, उसके पाप कर्म उसकी सारी शक्तियों को क्षीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप ले आए हैं। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देने का उत्तरदायित्व जितना हमारा होगा उतना ही आपका भी होगा। आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। यही बात आज मेरी पूजनीय माता ने मुझसे कही थी, जो मेरे पूज्य पिता श्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे कि महाराज रावण के पश्चात मुझे प्रजा की सेवा का कार्य संभालना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है प्रभु कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपके शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगू, जिससे एक पापी के पाप के कारण सारी प्रजा को दंड न भुगतना पड़े। मित्र, हम तुम्हारी प्रजावत्सलता की सराहना करते हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मेरी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सन्मुख आएंगे। मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आपने अपने सेवक के साथ उन सबको निर्भय कर दिया। आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा बनाए रखिएगा। तुम अनुकंपा की बात करते हो, हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र, कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। कहते हैं कि दुष्टों की संगति से तो घोर नरक में रहना उत्तम है। मैं हनुमान से सारी गाथा सुन चुका हूं कि ऐसे वातावरण में तुम किस प्रकार भक्ति की भावना में अचल और अडिग होकर खड़े हो। प्रभु, सारी शक्ति भक्ति ही देती है, उसमें भक्त की कोई शूरवीरता नहीं। जिस क्षण आपकी छवि मन में उदय हो जाती है, उसी क्षण मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भाग जाते हैं। अन्यथा तो मुनिगण भी सहस्त्रों वर्ष ध्यान लगाकर भी कुछ नहीं पाते। यही परम सत्य है, जो संसार का माया मोह, भाई बंधु, मित्र, परिवार, छल कपट
सब कुछ छोड़कर केवल एक प्रभु की ही शरण में जाता है, जिसका कोई आसरा नहीं होता उसे भगवान स्वयं आश्रय देते हैं। मित्र, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमने तुम्हें लंकेश कहा है, हमारे बाण की भांति हमारा वचन भी अमोघ है, जो झूठा नहीं हो सकता। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राजमुकुट पहनाएंगे। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का पवित्र जल मंगवाइए। सागर में समस्त तीर्थों के जल का समावेश है। अपनी सेना के सामने उसी पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण, छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। जी भैया। अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिसर्वज्ञं शान्ति शान्ति। मित्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरी शरण में आने का और मेरे दर्शन करने का फल अमोघ है। अतः मैं सागर के पवित्र जल से, जिसमें समस्त नदियों और समस्त तीर्थों के जल का समावेश है, तुम्हारा अभिषेक करता हूं। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। लंकापति महाराज विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो। लंका ने